नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिंगल मोल्डिंग और किचन और वेशिंग काउंटर ये सब दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट एंड तक। और दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्लैट है, ये जो बिल्डिंग है मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। एक मिनट, पहले आपको मैं अंदर बता देता हूँ। तो ये इस बिल्डिंग में ये जो फ्लैट है, ये इसका हॉल है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार उधर से इसकी एंट्री है और इसमें वो एक खिड़की है और ये इसका एक बेडरूम, देख सकते हैं ये बेडरूम है और इसमें एक ये बाथरूम है। जो अभी इसमें ग्रेनाइट का काम टोटल हो गया है, सिर्फ ओनली टाइल्स का काम बाकी है। देख सकते हैं जो भी ये ग्रेनाइट देख रहे हैं, सब सिंगल मोल्डिंग है। ये देख सकते हैं ये जो ग्रेनाइट है, ब्लैक ग्रेनाइट है, 110 रुपये स्क्वायर फीट का माल है, बहुत ही अच्छा माल है। देख सकते हैं आप, ये डबल पेताम में और इस साइड भी पॉलिश की हुई है ताकि पेताम जो अच्छा दिखे। हालांकि कई जगह पे क्या होता है, इधर पॉलिश इतनी ज़रूरी भी नहीं होती है। यदि बिल्डरशिप का काम है तो बिल्डर लोग यहाँ पे नहीं करवाते हैं, क्योंकि अक्सर ये दरवाजे में छुप जाता है। लेकिन यदि दरवाज़ा लगे या न लगे, लेकिन ये पॉलिश होती है तो देखो कैसे प्रोफेशनल काम लगता है। देख सकते हैं आप, एकदम बारीक जॉइंट फिटिंग। यहाँ पे अभी टाइल्स लगना बाकी है। ये एक दूसरा बेडरूम है और इसमें ये खिड़की है और इसमें जो ग्रिल्स है दोस्तों, ये बाद में फिट होगी। देख सकते हैं यहाँ पे होल, ग्रेनाइट में होल निकाल के और फिर जो ग्रिल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इसमें फिट होके और यहाँ पे उसको वेल्ड कर दिया जाएगा। वो एकदम उसमें क्या होता है कि जो वो ग्रेनाइट की धार है वो एकदम फ्रेश दिखती है और खांचे नहीं काटने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं ये सिंपल टेबल टॉप वेशिंग काउंटर, सिंपली हमने इसको डबल मोल्डिंग बना दिया है, हल्का सा यहाँ पे राउंड दे दिया है। देख सकते हैं ऊपर 3 इंची का बॉर्डर लगाया है, ऊपर अभी टाइल्स बाकी है। और ये है इसका बाथरूम, इसमें टाइल सीलिंग टच आने वाली है और एक सामने खिड़की है। तो ये टाइल्स का काम टोटल अभी बाकी है। और ये किचन एरिया में ये कमान देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप जॉइंट पॉइंट टू पॉइंट, इसमें विदाउट कोई कलर के फिलिंग किए हुए देख सकते हैं। और ये है किचन सिंपल, विदाउट कोई डिजाइन पट्टी इसमें डाली हुई नहीं है, ये सिंपल सी डिजाइन इसमें पर्दे के पत्थर में, खड़े पत्थर में ये दी हुई है। देख सकते हैं आप, डबल मोल्डिंग का ये किचन है। ये 2 इंची की पट्टी, सामने से 3 इंची की दर्शन पट्टी और 16-18 का ये बेसिंग है। और यहाँ पे इसमें अप डाउन का खटकी दी हुई है। ये ऊपर 4 इंची की बॉर्डर पट्टी। ये इस प्रकार हम किचन बनाते हैं, देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं, तो ये इस बिल्डिंग में टोटल 7 फ्लैट है, यानी 3 फ्लोर है। और ये सिंपल सा है, इसमें एक कपाट, तो यहाँ पे बर्तन वगैरह ये सब आ जाएंगे। और नीचे हमने ज़्यादा कड़ापे नहीं दिए, सिंपल 3 कड़ापे दिए। तो इसमें ट्रॉली के एडजस्टमेंट के हिसाब से पार्टीशन प्लाईवुड के खड़े हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जितने ज़्यादा पत्थर देते हैं तो वो ट्रॉली वाले को प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसमें ट्रॉली के माप के अनुसार एडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें भी टाइल्स लगना बाकी है। और एक व्यू मैं आपको इस बिल्डिंग का दिखा देता हूँ, अपार्टमेंट का। तो अभी ये काम स्टार्ट ही हुआ है, तो ये जो टोटल काम होने के बाद में पूरा एक इसका वीडियो में बताऊंगा कि पूरा टोटल काम होने के बाद में ये कैसा दिखता है। तो ये देख सकते हैं हॉल से, तो एक बाहर का व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस अपार्टमेंट का बाहर का व्यू है।
ये देख सकते हैं। और अभी ऊपर काम चालू है, ये 3 फ्लोर तक ये अपार्टमेंट है, देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा काम चल रहा है वो इस फ्लैट में चल रहा है, सबसे नीचे वाले में, और उसके बाद में ऊपर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, थैंक यू।